Global Mumbai for having me here, Mr. Rajkumar Tiwari, Mr. Raju Bhai, thank you so much for inviting me here, and first time I've experienced something like this in India, so बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ आपको मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, थैंक यू. मैं चाहता हूँ कि thank you.
आप यहाँ कुछ बिना बोले चले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ये मुंबई ग्लोबल अवार्ड देने के लिए मुझे, और मुझे इस काबिल समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, पहली बार किया है, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगले साल इससे भी बढ़िया कार्यक्रम हो ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सर आपका जो प्ले है जिसका नाम चाना किया है उसके बारे में भी मैं चाहूंगी। वैसे तो वो ऑल ओवर बहुत हिट हो चुका है, इट डेफिनेटली डजंट नीड्स एनी वर्ड्स फॉर माय साइड टू बी स्पोकन अबाउट यू, बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट यू टू स्पीक समथिंग अबाउट योर प्ले व्हिच इज चाना किया। वो चाणक्य प्ले है, वो मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, 25 साल से, और इस आने वाली 17 जनवरी को 951वां उसका शो है, और वो इसी भाईदास में है, और 25 साल पूरे होने के कारण मैं उसका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर रहा हूँ इसी हॉल में 17 जनवरी को। और 25 साल एक नाटक के पूरे होना, सिल्वर जुबली, मेरी जिंदगी की आधी जिंदगी उस नाटक में चली गई। उसके बीच में मैंने कई नाटक, 100 फिल्में की, कितनी सीरियलें की, लेकिन ये नाटक जो है वो निरंतर चलता आ रहा है, क्योंकि चाणक्य जो है वो चिरंतन है और सनातन है। तो आप सभी आमंत्रित हैं, थैंक यू वेरी मच, और आप सबके आशीर्वाद से ये प्राप्त कर चुका हूँ, थैंक यू वेरी मच। जोशी जी, चलते चलते एक लाइन, एक डायलॉग चाणक्य का, क्या बोलते हैं दोस्तों? Come on, can I hear it louder? चाणक्य का एक डायलॉग है, राजा होना ये सुखी होने का मार्ग नहीं है कदापि। थैंक यू वेरी मच। Thank you.
ये अवार्ड तो खैर एक तरीके का आशीर्वाद होता है, और आशीर्वाद अगर एक माँ से एक हाथ से मिले तो माँ होती है, और अगर दुनिया में कोई सुंदर है तो सबसे सुंदर माँ है। और नारी शक्ति के हाथों अगर अवार्ड मिलता है तो हमें तीन चार लाइनें याद आ रही हैं कि सिनेमा में तो ठीक है, लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस के माध्यम से नारी शक्ति के बारे में जिस जिस तरीके का मनोरंजन किया जाता है, हमारा परसेप्शन नारी शक्ति के बारे में बिल्कुल अलग है। तो बोलते हैं कि जो पतन से बचा ले वो पत्नी, और जो हनन से बचा ले वो बहन, और जो सारी समस्याओं को देख खुल के चुनौती की अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे पास आ वो माँ। और आपके लिए सूत्री कार्यक्रम को एक सूत्र में पिरो दे वो सुपुत्री। तो बहुत अच्छा लगा कि एक माँ स्वरूप जो है शक्ति के हाथों ये अवार्ड मिला, ये हमारे लिए बहुत मीनिंग रखता है, और हम तो कोशिश करेंगे कि हम इसी तरीके आपके चेहरे पे लगातार जब तक जिंदा है तब तक हंसी की मुस्कुराते और ये फूलों की तरह आपके चेहरे हमेशा खिलते रहें हमें देखकर। तो जब आपके चेहरे हमें देखकर इस तरीके से खिलते हैं तो सोचिए हमारा अंदर क्या खिलता होगा, क्या गदगद होता है, हमारा 10 किलो खून पड़ जाता है। थैंक यू सो मच। सबको ढेर सारी बधाइयां, हैप्पी न्यू ईयर, आप खूब खुश रहिए और आप खूब अपने परिवार को खुशी दीजिए और अपने समाज को खुशी दीजिए। समाज खुश होगा तो हमारा देश खुश होगा। जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स अवार्ड्स हैं जो समाज में अलग अलग क्षेत्र में
अपना अच्छा काम करने वाले, अच्छा कार्य करने वाले और समाज उपयोगी कार्य करने वाले लोगों का बहुमान करने का जो प्रयास मुंबई ग्लोबल अवार्ड के तहत हो रहा है वो बहुत ही स्तुत्य है, बहुत ही अच्छा है। और मतलब जैसे सामाजिक क्षेत्र में रोगियों के लिए काम कर रहा है, कोई प्रतिबंध बच्चों के लिए काम कर रहा है, और उन्होंने कई बॉलीवुड में, टीवी में, थिएटर में, ऐसे भी क्षेत्रों में प्रदान कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो मुंबई ग्लोबल अवार्ड्स जो हैं वो चैरिटी का भी काम करते हैं, चैरिटी का काम भी करें, और इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले सभी लोगों का सम्मान बढ़ाएं, तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले उनके वर्षों के लिए और आने उनके कार्य के लिए उन्हें शुभेच्छाएं। थैंक यू वेरी मच, बाय। तुम दाढ़ी बनवा लिया करो, मुंबई ग्लोबल जो है अचीवर अवार्ड है। अब इसमें सबको एक हौसला अफजाई के लिए जिस तरीके से सबके अलग अलग कार्यों के लिए जो है सबको सराहा जा रहा है, उनको अवार्ड के माध्यम से उनके काम को और ऊर्जा प्रदान की जा रही है, सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तिवारी जी को बहुत ही ज़्यादा कि न्यू ईयर उनकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा हो और सब इसी तरीके से हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलें, खूब इंजॉय करें, सब एक दूसरे को प्रोत्साहन दें। ओके राजपाल जी, आपसे और जानना चाहेंगे प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या चल रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट पाइपलाइन है? अभी 4-5 प्रोजेक्ट है, जिसमें एक इंटरनेशनल है, जिसमें एक नेशनल है, जिसमें अलग अलग, और अभी जो काम कर रहा हूँ उससे बहुत अंदर बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि जैसा काम करना चाहता था वैसे ही काम की दिशा में हूँ और उसी राह पे हूँ। ओके, मतलब ये आप कहना चाहते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप सरप्राइज करने वाले हैं लोगों को, कि जिस तरह के काम की एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं, बिल्कुल जीवन में हमने थिएटर से लेके हमेशा अपने साथ प्रयोग करने की कोशिश की और अब जिस तरीके से क्योंकि 15 साल काम करने के बाद एक मन को भी सुख मिले इस तरीके के सिनेमा करना चाह रहा था, अब वो सिनेमा करने को मिल रहा है और बहुत अच्छा मतलब अगला साल बीतेगा और जो काम कर रहा हूँ उससे बहुत खुश हूँ, अच्छा अच्छी प्रोग्रेस है जीवन में। वो हमारे देश के एक ऐसे सुपरस्टार रहे हैं जिन्होंने सुपरस्टारिज्म शब्द का मीनिंग समझाया, और जब राजेश खन्ना जी आज नहीं 100 साल तक हमारे दिलों पर राज करेंगे, और हम यही कह सकते हैं कि आप अमर रहें और आप हमेशा इस सिनेमा के लिए प्रेरणा बने रहें। नया साल आ रहा है, नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब नया साल सबके जीवन में खुश, समाज में खुशियां लाए, जब समाज परिवार सब खुश रहेंगे तो हमारा देश बहुत खुश रहेगा और सब नए साल पे। अभी मैं फ्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ और परसों आके अभी इंदौर जा रहा हूँ और फिर कोशिश करूँगा कि परिवार के साथ कहीं पे, अब ये फंक्शन है और फिर उसके बाद में जो है आऊँगा तो परिवार को लेके कहीं न कहीं जाके आप लोगों की खुशी के साथ में खुशी मनाऊँगा। थैंक यू।